शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से तुमने ऐसा क्यों किया श्रद्धा? मैंने क्या किया है? सानवी के लिए तुम सिया को नहीं भूल सकती हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप अभय? मैं अपने दोनों बच्चों से बराबर का प्यार करती हूँ। पर सर, हमारी बात तो हुई थी ना इस बारे में, ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर प्लीज एक श्रद्धा, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया? बताओ क्या हुआ? हमारे हाथ से ये डील निकल गई अभी। उन्हें किसी और के साथ काम करना है। पर क्यों? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ये तो वो 50 लाख वाला टेंडर है ना? हाँ, अगर ये काम हो जाता तो सारा उधार चुकता हो जाता, सब ठीक हो जाता। लेकिन ऐसे ऐन मौके पे वो अपना फैसला कैसे बदल सकते हैं, वो भी बिना मिले? वरुण जी, मुझे तो लगता है उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया होगा कि उन्हें ये काम मेहता एंड कंपनी के साथ करना है। हमें तो बस यूं ही टहला रहे थे वो इतने दिनों से। अरे और चिपका के रखो इस मनहूस को अपने सीने से। अरे जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी ना, तुम्हारी किस्मत की लकीरें कभी सीधी नहीं होंगी श्रद्धा। हर बुरी चीज का इल्जाम इस बच्चे पर क्यों लगा देती हैं आप? अरे सबने देखा है, जब तक अभय के हाथ में सिया थी काम आ रहा था, लेकिन जब श्रद्धा ने सानवी को अपने हाथ में लिया और फोन उठाया तो वही काम चला गया। अरे साबित करने को रह क्या गया है? मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? काम से सिया और सानवी का क्या लेना देना? ये काम हमारा कभी था ही नहीं। श्रद्धा ठीक कह रही है, और ये बेकार का जहर ना आपके मन में जो घुस गया है इसको बाहर निकाल फेंकिए और हमारे सामने ये उगलिए मत प्लीज। हमारे हाथ से ये डील निकल गई अभय, इस सानवी ने हमारी जिंदगी में ही जहर भर दिया है, इसे हम अपने घर से और हम सबकी जिंदगी से बाहर निकाल के ही रहेंगे। अरे कैसे अशुभ कदम है इस लड़की के, जाओ इसे अपने मायके छोड़ाओ पर इस घर से दूर रखो। यार क्या कह रही है? ये मेरी बच्ची है, इसे छोड़ने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं सिया के बदले सानवी की कुर्बानी नहीं दूंगी। अगर आरती के बारे में हमारी अम्मा यही बात बोलती कि जाओ इसे जाकर मायके छोड़ दो, तो क्या तब भी आप यही करती तनुजा भाभी? ऋतु, आपको ये मजाक लग रहा है क्या? अरे इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से छूट गई है सिर्फ इस सानवी की वजह से। हे भगवान, भाभी आप एक ही बात का जाप कब तक करती रहेगी? अगर घर में छोटी कोई बात हो जाती है तब भी आप इस छोटी सी बच्ची के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ जाती है? अरे ऋतु, जो हम देख रहे हैं ना वही बोल रहे हैं। अरे इस घर में जितनी मनहूसी तकलीफें और लड़ाइयां आई हैं वो इसके कदम रखने के बाद ही आई हैं। अरे देखने में तो ये मासूम लगती है लेकिन ये इस घर में एक काला साया है। अरे हमें पंडित को बुलाकर शांति का पाठ कराना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए पूजा करिए, और अगर पूजा करवाने के बाद भी आपका दिमाग शांत नहीं होता तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम तो कहेंगे आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अस्पताल में ही जाकर इलाज क्यों नहीं करवाती, क्योंकि घर में तो आप किसी की बात सुनती नहीं है। ऋतु, मम्मी आप शांत हो जाइए, बुआजी तो बस आपको समझाने किसी ने कहा बीच में बोलने के लिए? तनुजा, एक डील नहीं हुई तो आप सानवी के साथ साथ पूरे घर पे गुस्सा निकालेंगे क्या? अरे भाभी, आपके लिए एक डील होगी लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये डील बहुत ही जरूरी थी। भाभी आप तो अपने खर्चे खुद संभाल लेती हैं, लेकिन कभी आपने कभी अपनी बहू के खर्चों पे नजर डाली है? नहीं ना, रुकिए हम अभी लेके आते हैं।
बहू के अंट शंट खर्चे। कीर्ति, ये तो अरे चाची जी की हरकत ही इतनी गिरी हुई है कि वो हर बार गिर जाती है। चुप कर जा कीर्ति, और अभी की अभी मम्मी जी से माफी मांग, बड़ी है वो इस घर में। अनशन खर्चे, ऐसा लग रहा था कोई कॉमेडी फिल्म चल रही है, हीरोइन डायलॉग बोलते बोलते ही गिर गई। चाची जी, हम आपके लिए केक बनाएंगे, आप खाएंगे ना? कीर्ति बस करो, चुप हो जाओ। अरे हमें तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाना है, क्या पता हमसे बदला लेने के लिए तुम उसमें जहर मिला दो। तनुजा, कीर्ति चुप कर जा, हंसना बंद कर। भाभी आप ना बस हम पे चलाई, क्योंकि अपनी बहू की बदतमीजियों को आप तो आज तक रोक नहीं पाई हैं, क्यों? और तनुजा आप भी कोई कम नहीं, एक मौका नहीं छोड़ती हैं आप कभी हमें कीर्ति के बारे में ताना सुनाने का। मतलब अगर आपके घर में कुछ भी गलत होता है तो हम चुपचाप बैठ कर बस ताने सुनते रहे? हेलो, क्योंकि अगर इस घर में रहना है तो सहो, वरना जाओ यहाँ से। तनुजा जी, आज तक कभी इस घर में हमारा आपका नहीं हुआ है, और अगर बात घर की हो रही है तो ये घर हमारी माँ का है। हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छे से याद है, और इस मकान का ये सारा हिस्सा हमारा है। अच्छा, तो असल में आपको सानवी या हमसे कोई तकलीफ नहीं है, आपको तो बस अपने हिस्से से मतलब है ना? भाभी आप तोड़ मरोड़ के बातें हमारे मुंह में मत डालिए। नैना भाभी कुछ गलत नहीं बोल रही है, आप हमेशा से यही करती है, दूसरों की गलतियों पर ना हमेशा अपना मतलब निकलवाती है, दूसरों को दोषी ठहराती फिरती है। अरे किसका क्या मतलब बनता है इस घर में ना, अगर हम उसका हिसाब किताब निकालने बैठ गए तो सबका मुंह बंद हो जाएगा यहाँ। हाँ आपको बात समझ ही नहीं रही है, बस अपनी चला रही है। हाँ तो क्यों नहीं चला रही है ना? सुना नहीं रही है ना? मैं सुनने क्या ही होगी? बस चुप करिए आप सब। तनुजा जी, इस परिवार के सामने आपने मुझे जितना शर्मिंदा करना था ना, आप कर चुकी, जाइए यहां से। नैना जी आप इस घर की बड़ी हैं, दूसरों को संभालना आपका काम है, अपना तमीज का छोड़ाइए आज आप। भाई साहब आप भाभी को कुछ मत बोलिए, तनुजा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अनुज बात वो नहीं है नैना जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे मौके में बात को सुलझाने की जगह आप खुद बहस में उलझ जाएं। यही सिखाएंगे आप अपनी अगली पीढ़ी को? अरे हम तो यही कह रहे थे। चलिए यहां से, बहुत हो गया, आप भी जाइए, बहुत बोल लिया आज के लिए, आप जाइए सब। जो देखो हमें ही सुनाता फिरता है। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। अनुज गुस्से में सही, लेकिन आज बहुत गर्दी बातें निकल आई, ये बातें अगर मन में बैठ गई ना तो रिश्तों को जोड़ के रखना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सही कह रहे, मैं तनुजा जी को समझाने की कोशिश करता हूँ। बेहतर तो ये होगा कि कुछ दिनों के लिए इन सबको एक दूसरे से अलग अलग रखते हैं, आपस का ये चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप मम्मी, और कितना रोएंगी? अरे जिस तरह से तुम्हारे पापा
सबके सामने हम पे हाथ उठाया तो हम रोए नहीं तो और क्या करें? पापा ने कब हाथ उठाया? अरे जैसे वो हमें घसीटते हुए सबके सामने ले गए तो वो तो हाथ उठाने के बराबर ही हुआ ना। अरे पूरे घर में हमें किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। छोड़ देती आपने, लेकिन नहीं, आपको तो बात बढ़ानी थी। घर में शांति और संयम बनाए रखने का कर्तव्य बड़ों के हाथों में होता है नैना जी। और चाची जी का? चाची जी कुछ भी बोल सकती हैं। पापा जी आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे हमें और माँ को कितना सुनाया, कुछ भी बकवास किए जा रही थी हमारे बारे में। कीर्ति, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। बीच में घुसकर जिस तरह तुम्हारे पापा ने हमें डांटा है, हम जानते हैं नैना भाभी इस बात का फायदा जरूर उठाएंगी। अरे उन्हें तो मौका मिल जाएगा बात बात में हमें चुप कराने का। नहीं, आज गलत आपने किया है हमें तनुजा के सामने सुना के। आपको क्या लगता है अब वो हमारी बात मानेंगी? अरे पहले ही कौन सा हमसे चुप होती थी। अरे चुप नहीं बैठेंगे हम जब तक उस मनहूस बच्ची को इस घर से नहीं निकाल देते हम। अरे तुम्हारे पापा और हमारे बीच पहली बार लड़ाई भी उसी की वजह से हुई है। पता नहीं आगे किस्मत में और क्या क्या कलेश लेके आएगी वो सानवी। अभय, मम्मी जी कैसी हैं अब? इतना सब होने के बाद क्या लगता तुम्हें कैसी होंगी? अरे यार पहले तुम एक सानवी को चुप कराओ, आधी परेशानी घर की इसने बढ़ा के रखी है। अभय पहली बात तो ये सानवी नहीं सिया है जो रो रही है, और दूसरी बात क्या हो गया है आपको? आप सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। और ऐसी कौन सी परेशानी हो गई है जो आप अपना गुस्सा इन बच्चियों पे निकाल रहे हैं? अभी मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, बहुत काम है मुझे, अपनी कंपनी के लिए ये डील लेकर आनी है मुझे। अब वैसे अभय बच्चों की वैक्सीनेशन भी करानी है। ये लीजिए रितु, चाय पीजिए। क्या बताए भाभी, ये तनुजा भाभी ने जो कल घमासान युद्ध छेड़ा था, हाय अभी भी हमारा सर घूम रहा है, फटा जा रहा है हमारा सर। याद मत दिलाइए हमें उस मनहूस घड़ी की। वैसे मनहूस से हमें याद आया, कीर्ति कहाँ है, नजर नहीं आ रही। तो आप भी? हाँ ठीक है हम समझ गए कि वो सो रही होगी। वैसे आप हमें ये बताइए आज रसोई में क्या बना रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज हमने कुछ नहीं बनाया है, ये कीर्ति का कमाल है। हमारे घर की घड़ी कब से उल्टी चलने लगी कि हमारी कीर्ति रानी रसोईया बनी। बुआ जी, आज कीर्ति हम सबके लिए केक बेक कर रही है। कीर्ति और केक? हाँ। आप कुछ भी कहिए रितु, कीर्ति कुछ करने का ठान लेती है ना तो वो करके ही रहती है, सुबह से लगी हुई है। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने कितना टेस्टी केक बनाया है। देख बाप, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अरे नहीं 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 नहीं, वरुण जी पहले हम फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे अपने टॉक टॉक के लिए। मिल गया, अब आप खा सकते हैं। रुकिए हम खिलाते हैं। ये लीजिए वरुण जी, खाइए। आप लोग भी खाइए ना। वाह, आज ना आखिर हमने केक बना ही लिया, हमें ऐसा लगता है हम कुछ भी बना सकते हैं। वाकई बहुत अच्छा है। कैसा है? कमाल का है ना केक। केक
केक। अरे कमाल नहीं, बहुत ही कमाल है। अब इतना अच्छा बना है तो हमें तो टेस्ट करना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये केक आपने हमारे लिए बनाया है ना, तो ये पूरा का पूरा केक हम ही खत्म करेंगे। इतना अच्छा लगा आपको माँ? पर माँ थोड़ा सा कियारा को तो टेस्ट कराऊंगी ही ना, लाइक। अरे नहीं नहीं नहीं, कीर्ति अब इसके साथ तो मैं तुम्हें बांट ही चुका हूँ, लेकिन ये केक है ना, इस केक को मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। चलो ये सारा केक मैं ही खाने वाला हूँ, सारा का सारा। तुम अभी केक को फ्रिज में रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है, कियारा को आप संभालिए। आप क्या देख रही हैं? अब और केक नहीं मिलेगा आपको, खाना भी नहीं। ये बच्ची बच गई तू। नैना भाभी, आप हमसे एक वादा कीजिए, आप कभी भी अपनी बहू को रसोई संभालने के लिए नहीं देंगे, नहीं कहेंगे। मम्मी जी, रसोई का सारा काम हो गया है और मैंने सफाई भी कर दी है। मैं ना थोड़ा इन बच्चों को वैक्सीन लगवा के आती हूँ, दीजिए। अरे अभय ने सिया को वैक्सीन करवा दिया है। अच्छा, पर मम्मी जी अभय तो कह रहे थे कि आज उन्हें बहुत काम था। अरे इसीलिए तो वो सुबह सुबह सबसे पहले सिया को अस्पताल लेके गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं सांधी का वैक्सीनेशन करवा के आती हूँ। ठीक है, तब तक हम सिया के साथ हैं। हुँ? वैक्सीन लगवाने अभय जा ही रहे थे तो दोनों बच्चियों को साथ ले जाते, समय तो उतना ही लगता, पता नहीं क्या हुआ। ये भगवान, एक केक बनाने में कीर्ति रानी पूरा तूफान ले आई इस रसोई घर में। अगर आपने गलती से भी उसे पूरी रसोई बनाने के लिए बोल दिया ना भाभी, तो ये लड़की जबरदस्त भूकंप ले आएगी रसोई घर में, बता रहे हम। क्या ये सब बेटा? वो ना केक बनाने में कुछ ज्यादा ही सामान लग गया। बहुत ज्यादा। अरे तो क्या हो गया, हम अभी सफाई कर देते हैं। कर रही है साफ, ये नो। अरे बर्तन भी यहाँ रह गया। कीर्ति रानी, तुम्हें सफाई करनी है, बहरा नहीं बनाना हमको। आप एक काम कीजिए, अब थक गई होंगी ना, अब जाइए आराम कीजिए, हम सब साफ कर देंगे। जाइए जाइए। माँ, इस घर में आप अकेली हैं जो हमें समझ सकती है, कैसे भी हम बहुत थक गए हैं। नहीं चलिए रे, तू कहाँ सफाई करने? नहीं, हमारा मतलब है हमें काम है रेडियो का। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, श्रद्धा सिया को क्यों नहीं लेकर के वैक्सीन लगवाने? पर मम्मी आपने टोका क्यों नहीं? अरे तुम्हें लगता है कि हम उसको टोके नहीं होंगे? अरे हमारे मना करने के बाद भी वो चली गई तो हम क्या करें भाई। कहाँ थी तुम?
अभय, मैं तो सानवी को वैक्सीन लगवाने गई थी, बताया तो था आपको। वैक्सीन से सानवी को लगनी थी क्या? लेकिन आपने तो सिया को वैक्सीन लगवा दिया था ना आज सुबह ही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं सुबह से काम में बिजी हूँ, मुझे फुर्सत ही कहाँ है। मम्मी की ना, तो मम्मी को बीच में मत लाओ। तुम दोनों बच्चों को अपना मानती ना तो सिया के साथ ऐसी लापरवाही नहीं करती। लेकिन अभय, मैंने मम्मी जी से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि आपने सिया को वैक्सीन लगवा दिया है। हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है या मम्मी की है? अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें लग ही रहा था तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, फोन क्यों नहीं किया? अभय आप शांत हो जाइए, ऐसा नहीं है कि मैं सिया को जानबूझकर नहीं लेके गई थी। नहीं श्रद्धा, अच्छा ये है कि सानवी के आगे तुम्हें सिया दिखती ही नहीं है। अभय एक माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करती है। तुम्हारे कुछ भी बोलने से ना सच्चाई नहीं छुपेगी श्रद्धा, तुम्हारी ममता एक तरफा है। अभय चिल्लाओ मत, तुम्हारी ये लापरवाही ना अब मैं और नहीं सहने वाला, इसलिए मैंने भी एक फैसला लिया। फैसला? कैसा फैसला? तुम्हें सिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सानवी पर ही ध्यान दो, सिया को मैं अकेला पाल लूंगा। बस ऐसे ही करते करते श्रद्धा को अपने परिवार को चुनना पड़ेगा और उसके लिए सानवी को छोड़ना होगा। नन्ही सी जान से आप इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं मम्मी जी? अभय को भी सानवी नहीं चाहिए, वो यही चाहता है कि हम इसे यहाँ छोड़ दें। अब तुम ही बताओ कि तुम अपने परिवार का साथ दोगी या इस मनहूस बच्चे के साथ लगी रहोगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।